क्लास सिक्स ज्योग्राफी चैप्टर थ्री मोशन ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ की गति। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन, अर्थ का मोशन टू टाइप होता है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन मतलब होता है अर्थ का मूवमेंट जो अपने एक्सिस पे घूमता है, जैसे लट्टू होता है। लट्टू कैसे घूमता है? अपने एक्सिस पे घूमता है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है एक फिक्स्ड पाथ पर या ऑर्बिट पर, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, वो हम लोग को दिखाई नहीं देता, वो इमेजिनरी लाइन है। मार्क एन एंगल 66 हाफ डिग्री विच इज ऑर्बिटल प्लेन पे, वो एंगल पर मार्क रहता है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, जो प्लेन ऑर्बिट उस ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ को सन से लाइट मिलता है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, वन हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एंड एट अ टाइम द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। अर्थ का जैसे स्फेरिकल शेप होता है, अर्थ एकदम गोल नहीं होता, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप होता है। उसका हाफ पोर्शन जब सन की ओर फेस किया रहता है तो उस पोर्शन पर डे होता है, और अदर हाफ पोर्शन जो सन की ओर फेस नहीं होता है वो नाइट होता है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं, उस सर्कल को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you seen in the figure 3.2. The earth take about 24 hours to complete one rotation. Earth एक rotation करने में 24 hours लगाता है अपने axis पे। The period of rotation is known as earth day. इसे बोलते हैं earth day. This is the daily motion of the earth. ये daily earth का motion होता है, जैसे सुबह से शाम, शाम से रात होता है, ये 24 hours लगता है। और यह अर्थ का क्या है, रोटेशन है, क्यों ये अपने एक्सिस पर घूमती है। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, तो क्या होगा, जो पोर्शन सन की ओर फेस किया हुआ रहेगा वो हमेशा दिन रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, और उस जगह पे वहाँ पे कंटिन्यू क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस, और बाकी पोर्शन जहाँ जो है वो अंधेरा रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, पूरे टाइम के लिए वो इतना ज़्यादा ठंड हो जाएगा होगा कि वो जम जाएगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, इस कंडीशन पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, सेकेंड मोशन है अर्थ जब सन के चारों ओर घूम रहा है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। इट टेक 365 1/4 days, मतलब 365 and 6 hours टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमने में अर्थ को 365 days and 6 hours लगते हैं। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours. हम लोग इस तरह से कुछ कोई पूछने से बोलते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन, लेकिन वो जो 6 hours है उसको हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, नहीं बोलते हैं। ये सन है और ये अर्थ सन के चारों ओर 365 days and 6 hours में कंप्लीट करता है। 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years. इस तरीके से 6 hours 4 साल में क्या हो जाएगा, 6 6 करके 4 साल में वो 24 hours हो जाएगा, और वो एक 1 day हो जाएगा। This surplus days added to the month of February, और वो एक दिन जो बढ़ता है वो February month में जोड़ा जाता है। Thus every fourth year February is of 29 days, इसलिए हर 4 साल में फरवरी में एक बार 29 days होता है, 28 की जगह 29 days होता है। सच अ ईयर विथ 366 डे, उस ईयर में 366 डेज होता है।
इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर, बी एस के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सन के चारों ओर थोड़ा सा तिरछा होकर ये अर्थ क्या होता है, एकदम गोल नहीं, थोड़ा सा तिरछा होकर वो घूमता है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज एन इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इसमें अर्थ थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ईयर इज यूजली डिवाइड इंटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ईयर को भी चार भागों में डिवाइड किया है, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन चेंज क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का पोजिशन सन के चारों ओर घूमते घूमते जो चेंज होता है, उसी से सीजन चेंज भी होता है। बस आज इतना ही, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।